Parsons' image of political order. Parsons' political order will also be explained along the uh, same perils of political system, political rulers, state machinery, and the uh, ancillary organizations or organs. Talcott Parsons social order introduced karvaya, usi ke peril political order be introduced karvaya. And according to him, uh, political system is actually the part of the social system which mainly deals with the functions of goal attainment. Like other systems, it also possesses its own structures of values, norms, collectivities and roles, as well as the boundaries which it seeks to define and maintain. The other important subsystem in the environment of the political system are patron maintenance system. द सोसाइटल कम्युनिटी एंड द इकॉनमी बिकॉज फॉर द सर्वाइवल ऑफ़ द पोलिटिकल सिस्टम इट्स सेल्फ इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट देयर मस्ट बी अ रेगुलर एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स विद इन द सब सिस्टम्स क्योंकि अगर माशरे के अंदर लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ रिसोर्सिस का मेकानिज़म नहीं होगा तो ना तो सोशल सिस्टम चल सकेगा ना इकनॉमिक सिस्टम और ना ही पोलिटिकल सिस्टम क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम की यह जिम्मेदारी है, है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स को फुली वॉच करे एंड एज वेल एज द पावर इज़ कंसिडर्ड एज द सिंबॉलिक मीडिया ऑफ पोलिटिकल सिस्टम बिकॉज सिमिलरली अदर सिस्टम्स ऑल्सो हैव देयर ओन सिम्बॉलिक मीडियाज लाइक वैल्यू कमिटमेंट्स फॉर पेटरन मेंटेनेंस लॉयल्टीज़ फॉर सोशल कम्यूनिटी एंड वेल्थ सोर्सेज फॉर इकॉनमी अब पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली किस पर डिपेंडेंट है डेफ़िनेटली ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अब पावर जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है अकॉर्डिंग टू टैलकोट पार्सन एक सिंबल है सिंबल इस तरीके से कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम के पास पावर नहीं होगी तो वो अपने आप को मनवा नहीं सकेगा लेकिन पावर का यूज़ पावर के यूटिलाइजेशन का एक प्रॉपर सिस्टम एक उसका एक पैटर्न जो है वो हर माशरे के अंदर हर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मौजूद होता है और अगर सिस्टम उसी दायरे के अंदर रहकर अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा तो डेफिनेटली वो एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम कहलाएगा लेकिन ये चेक एंड बैलेंस कैसे होगा कि वहाँ पर जो वैल्यू कमिटमेंट है कि सिस्टम ने किस दायरा कार के अंदर रहकर अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है फिर वो लोग जिनके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को जब वो गेन कर रहे होते हैं तो सिस्टम उनको कैसे लुक आफ्टर करता है यानी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन करना बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए सर्विसेज प्रोवाइड करना दैट इज़ द बेसिक जॉब ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम इसी तरीके से हर पॉलिटिकल सिस्टम इट इन्जॉयज वेरियस स्ट्रक्चर्स अब वेरियस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो किस लिए होते हैं दे एक्चुअली फैसिलिटेट द बेसिक पॉलिटिकल सिस्टम अब जो आ, बे, बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उन सब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या चीज़ है कि वो किस तरीके से अपने पॉलिटिकल रूलर्स को फैसिलिटेट करते हैं अब पॉलिटिकल रूलर्स जो हैं उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं उनकी कुछ जॉब्स हैं लेकिन उनका सबसे बुनियादी फ़र्ज़ क्या है कि उन्होंने उस एनवायरनमेंट के अंदर अपनी असाइंड ड्यूटीज़ को दे हैव टू परफॉर्म दे हैव टू फैसिलिटेट द अदर सब स्ट्रक्चर्स ऑफ द सिस्टम। क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम की जो मेंटेनेंस है वो पॉलिटिकल रूलर्स पर डिपेंडेंट होती है और इसी तरीके से जो लीडरशिप है एक्चुअली लीडरशिप का रोल वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज द गोल अटेनमेंट दैट इज़ एक्चुअली द कोश्चन विदिन द मॉडर्न सोसाइटीज़ के हर फर्द अपने लिए कुछ मकासद हासिल करना चाहता है ऐसे ही हर पॉलिटिकल सिस्टम के भी कुछ गोल्स होते हैं लेकिन उन गोल्स को पोलिटिकल सिस्टम किसके थ्रू अचीव करता है लीडरशिप की परफॉर्मेंस के थ्रू अगर लीडरशिप की परफॉर्मेंस अप्रोप्रिएट होगी तो डेफिनेटली वो पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिडर होगा और फिर गवर्नमेंट जो है उसकी फंक्शनिंग उसकी वर्किंग के ऊपर बहुत सारे सवाल नहीं उठेंगे लेकिन पॉलिटिकल रूलर्स को फैसिलिटेट कौन करता है डेफिनेटली स्टेट मशीनरी होती है जो पॉलिटिकल रूलर को भी फैसिलिटेट करती है और फिर उसकी एक स्पेसिफिक प्लेस होती है इस पूरी स्कीम के अंदर और स्टेट मशीनरी की बेसिक जॉब क्या है कि वो ड्यूटीज़ जो उसको असाइन की हुई हैं वो उनको परफॉर्म करें और अगर पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन रखना है तो इन सब ऑर्गन्स को मिलकर काम जो है वो करना पड़ेगा और इसी सूरत में अगर इंस्टीट्यूशंस अपनी लीडरशिप को सपोर्ट करेंगे और लीडर उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने की एफ़र्ट करेगा जिसकी वजह से उस पॉलिटिकल रूलर्स की लिस्ट में उसका नाम शामिल है तो पूरे का पूरा जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो एक इम्पॉर्टेंट और जो कंसिडरेबल पॉलिटिकल ऑर्डर में उसका शुमार होगा